मुरादाबाद में वकील रजिस्ट्री कार्यालय का कहीं दूसरी जगह होने वाले ट्रांसफर का विरोध कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि रजिस्ट्री कार्यालय अगर कहीं दूर ले जाया जाएगा तो रजिस्ट्री कराने वाले लोग असुरक्षित हो जाएंगे, उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्री कार्यालय यथावत रहे, यहाँ कचहरी परिसर में ही, कहीं अन्य स्थान पर ट्रांसफर ना किया जाए। अगर जिला प्रशासन इसे कहीं दूर ले जाने का प्रयास करेगा तो वो अपने आंदोलन को लंबा चलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये पिछले एक महीने से हमारा ये रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया था रातों रात बिना बताए, हमारी बार के अधिकारियों को बिना कॉन्फिडेंस लिए ये मामला ये चल रहा है। एक महीने से हमारी रजिस्ट्री ऑफिस को लेकर आंदोलन चल रहा है, आज भी हमारा ये आंदोलन था, लगातार हम लोग हड़ताल पर हैं, कार्यरत हैं, इससे पब्लिक के लिए हमने ये काम कर रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ से 13 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया था जहाँ पे हम लोगों ने काम करने को मना करा, इसी बात को लेकर हमारा आंदोलन चल रहा है। आज हमने कमिश्नर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया था कि ये रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पे मंगाया जाए, हमने यहाँ पर हमारे बार के अधिकारियों ने, हमारे अध्यक्ष ने, सचिव साहब ने कई सारी जगहें दिखाई हैं, 5-6 जगह दिखाई हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस यहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, परंतु DM साहब अपनी हठधर्मी के कारण यहाँ पर शिफ्ट करना नहीं चाह रहे। पता नहीं DM साहब को कौन सा ऐसा इंटरेस्ट है जो यहाँ पर रजिस्ट्री ऑफिस नहीं लाना चाह रहे, वो रजिस्ट्री ऑफिस ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल आम जनता की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई यहाँ पे इंतजाम नहीं है और वहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वारदात घट सकती है। आज कमिश्नर साहब को हमारे बार के अधिकारियों ने ये ज्ञापन देने आए थे। अब ये ज्ञापन जो दिया गया है इसमें क्या निर्णय के लिए अंदर? अभी जो ज्ञापन में जो निर्णय हुआ है ये शायद हमारे कमिश्नर साहब ने भी कुछ आश्वासन दे दिया है बात वार्ता करने का, बाकी हमारी ये सारी बात हमारे बार के अध्यक्ष जी, अभी बार में मीटिंग होगी हमारी जनरल हाउस की, उसमें हमारे बार के अध्यक्ष जी बताएंगे। अच्छा, अगर इसके बाद भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या निर्णय लेंगे आगे? हमारा इसके बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा, अपने आंदोलन को गति देनी पड़ेगी और लोकसभा का चुनाव आने वाला है आगे, तो हो सकता है हमारा जनरल हाउस जो तय करेगा उसका बहिष्कार हम करें। लोग जहाँ तक है हमारा जो अब ये हमारे यहाँ पे कलेक्ट्रेट कंपाउंड में जो यहाँ पे प्रत्याशी होंगे इनका यहाँ पे नामांकन होगा, उस नामांकन को भी हम यहाँ पे बहिष्कार करेंगे और अपने चुनाव के लिए हम 5,000 वकील 6,000 वकील हैं यहाँ पे और उनके परिवार मिला के 15,000 से 20,000 लोग बैठते हैं, हम लोग 15-20,000 लोग यहाँ पे अपने जो लोकसभा के चुनाव का हम बहिष्कार कर देंगे। अच्छा, आपने कहा लोकसभा चुनाव का भी आप बहिष्कार करेंगे आगे, क्या लगता है क्या असर पड़ेगा? ये पब्लिक के लिए हमने लड़ाई लड़ी है, अधिवक्ता समाज हमेशा पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ता रहा है, लड़ता रहेगा और आगे जो भी असर पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता इस समय, पर ये जरूर है कि रजिस्ट्री ऑफिस की जो हमारी मांग है, इतनी बड़ी हमारी कचहरी कैंपस है ये, यहाँ पे कहीं भी ला सकते हैं रजिस्ट्री ऑफिस, कोई ऐसी जिद वाली बात नहीं है। एक IPS अधिकारी को इतना जिद्दी और इतना ऐसा वो नहीं होना चाहिए जिस तरह से ये इन्होंने अपनी जिद ठान रखी है DM साहब ने, इन्हें अपनी बात को वापस लेना चाहिए और रजिस्ट्री ऑफिस को यहाँ पुनः वापस भेजना चाहिए।